हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे, और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और भाई, मुझे ना जो काम हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को अलग लग रही होगी, क्योंकि भाई जो काम हो रहा है ना तो गला थोड़ा खराब आ सब रखा। लोग का नाम तो सर्च करता ही। लेमन दे, फिर देखिए तेरी वीडियो। और देखिए, ये है माँ के भतीजे की बहू, तो ये आए थे माँ से मिलने। और भाई, सक्रांत का त्यौहार है ना, तो भाई त्यौहार देने आए थे। तो अब काफ़ी देर हो गई थी बातें करते हुए, चाय वगैरह भी पी लिया था, और अब हलवा भी बनाया था मम्मी ने, तो वीडियो नहीं बना पाई मैं। फिर ताई और मम्मी चली गई थी आंटी की खोज रही तरफ, हूँ मैं बंदर तो कौन बस फिर थे। वो चले गए हैं। और घूमड़ उनके बजाने जाने के के बाद आ रहे हो गया है अब हैं शाम का अपने टाइम। कौन खोज तो आ गए हैं। आदमी का नाम अच्छा बहुत रहेगा मम्मी। कब खोज लिया था आंटी का ना? ये खोज लिया था। अच्छा बहुत रहेगा ना मम्मी, बस फिर एक ही जगह कौन है। देख लो भाई, हमारा ईंधन कपास को, या हमारी होगी सब रोटी तैयार। ये हमारा गोसा, हमारा सिरसों का ईंधन। बंदर गया बाज, एक लिया हूँ ना, जब तो डर लग बंदर को, जब तो बंदर जानू लेकर भाग ले। नहीं छेड़ा जब घना होकर बान किचो मैं तो खिता ही ले। हम अटका दियो बस थोड़ी मतलब तो किधर गई। ये भाई दूध की कढ़ावने थाली, दूध ले चलो मित्र। चिंपू क्या होगा? दे चिंपू क्या हो, सही तो समय में ज्यादा लाग गया से ना, ज्यादा लाग रहा है। हाँ चिंपू क्या है, वो क्या होगा आज बाहर ना शानी वगैरह करती है पशुओं को। इनने भाई अपना पानी वगैरह भी पिला दिया है, शानी भी खा ली। और अब हम इधर मम्मी बना रही है चाट, ये देखो ये है चाट। तो यहाँ चूल्हा बनाया था ना एक चूल्हे पर और एक हारे में, दोनों में चाट बना रही है मम्मी, ठीक है। और ये आराम से खा पी कर खड़ी हैं, अब इनका दूध निकालेगी मम्मी और मैं बनाऊँगी रोटी वगैरह। तब तक मम्मी दूध निकाल लेगी, आवाज़ भी आवेगी इतना बैर में। वो धीरे 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 बोल रही, बाजरा चून पीस लिए बोल रहे। भवानी देख इन्हें आवाज़ सुनेगी, ऐसी भाग्य आई से देख ले बिला क्या होगा। हाँ ले 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 बिला कटोरा में क्या डाला, देख वो भाग्य लुक जाए वो सब गया। भवानी की तो बैठी कल्लो, ए कल्लो कल्लो रानी, या देख लो हमारी कल्लो
हमारी कल्लो एक नाम कल्लो सही से तो ना मैं तो डाल लूंगी आई बात और देखिए प्लांट में तो मैं काम करवा के आ गई थी और अब इधर कर रही हूँ मैं सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी। आटा मैंने लगा के रख दिया है और इधर बनाऊंगी मैं सब्जी। टमाटर प्याज कट कर लिए हैं और भाई आलू उबाले थे मैंने तो आलू छील करके रख लिए हैं। तो वीडियो नहीं बना पाई मैं सब्जी बनाने की, बस सब्जी बना के और फिर चली गई थी ऊपर रोटी बनाने के लिए। फिर रोटी भी बना ली है अभी, सब ने खा ली और बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं देखिए इधर। और बस अब मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके अपनी स्लेप वगैरह सब बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ और फिर ये वीडियो है अगले दिन सुबह का। वीडियो का एंड नहीं कर पाई मैं और तो फिर मैंने सोचा चलो अब ये क्लिप और निकाल लेती हूँ तो ये भी बना देंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और तारीख है आज 31, ये 31 तारीख का वीडियो है। तो लेट ही चल रही हूँ मैं क्योंकि भाई टाइम नहीं रहता तो मैं व्लॉग डाल नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कुछ सर्दी होती है तो सर्दी में मेरा तो मन भी नहीं करता। तो ये 31 तारीख का वीडियो है और इधर बना रही मैं आलू के पराठे। तो शिल्पा तो स्कूल में गई नहीं, डुगू जाएगा तो डुगू बोला मम्मी पराठे बना देना, तो इधर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर ली थी तो मैं ऊपर ही आ गई थी। मैंने कहा चलो ऊपर ही बनाऊँगी आराम से। तो ये आलू की पिठी बना ली थी, सब चीज़ें डाल ली थी भाई आलू में, धनिया हरी मिर्च और भाई अपना थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, ये सब मसाले डाल के हाँ, और मिर्च लाल भी डाल ली थी थोड़ी सी, हरी भी डाल दी थी। तो ये मसाला अच्छा सा बना के तैयार कर लिया था और अब बना दूंगी फटाफट से पराठे, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। सब ने एक एक दो दो ही लिए थे तो ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो ये बना के कुछ फिर रोटियां भी सेकूँ क्योंकि माँ पराठे नहीं खाएगी, माँ खाएगी दूध के साथ अपनी रोटी, पराठा नहीं लेगी, माँ ने मना कर दिया था। तो पराठा भी बनाऊंगी और सिंपल रोटी भी बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी मैं बाजरा की रोटी भी। तो आज तो तीन तीन मतलब वो बनेंगी, पराठे, सिंपल रोटी और बाजरा की रोटी। तो इधर डुगू का तो बना दिया था, लेके चला गया है और मैं लगी हुई इनको बनाने में। और भाई बहुत ही अच्छे पराठे बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से और बहुत आसानी से बनाते हैं। और इधर डुगू के पापा भी तैयार हो लिए हैं जाने के लिए। तो बस मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और वो खा लेंगे, वो भी चले जाएंगे, फिर मैं रोटी बना करके अपने आगे का काम करूँगी। और इधर देख लिए मैं सब रोटी भी बना दी है, पराठे भी, और अब आटा लगा लिया है बाजरे की रोटी बनाने के लिए। और बाजरे की रोटी जब बनाते हैं तो साथ साथ में ही आटा लगाया जाता है, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, दो तीन रोटी ही बनाऊँगी। तो ये आटा रखा है छोटी सी बाल्टी में बाजरा का, क्योंकि भाई ज़्यादा चून नहीं पीसा जाता बाजरा का क्योंकि कड़ा हो जाता है। और इधर मैं फटाफट से अपनी रोटी बना लेती हूँ अब। और बोतल में ले रखा था मैंने थोड़ा सा गर्म पानी, तो ये रोटी है जो गर्म पानी के साथ ही बनाई जाती है, ठंडे पानी में नहीं बनती। तो देखिए मैं फटाफट से और आसानी से कैसे बना रही हूँ। और जब तक नहीं करते ना तो काम ऐसे लगता है कि भाई पता नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, जब करने लगते हैं तो काम हो ही जाता है। तो मैंने पहले कभी भी बाजरे की रोटी नहीं बनाई थी, बाकी अब धीरे धीरे करके बना लेती हूँ। तो चलो आप सब भी खा लीजिए बाजरा की रोटी, देखिए। और ये नहीं कि मैं छोटी छोटी बाजरे की रोटी बनाती हूँ, अच्छी बड़ी बन जाती है मेरे से और अच्छा भी लगता है। बाजरा की रोटी बनाती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को पसंद है बाजरे की रोटी, आराम से बन जाती है मेरे से, ये नहीं कि मेरे से बनती नहीं। और ये रख लिया है मक्खन और आप लोग खा लीजिए आज ये गरम गरम बाजरे की रोटी और मक्खन। तो चलो बना लेते हैं फटाफट से अब, ये एक दो रोटी और बची है फिर चलेंगे नीचे। रोटी बना ली रही, चला नीचे
हवा चल रहा बहुत जोर की। और देखिए ये हो गई है थाली तैयार, आलू के पराठे, हरी मिर्च का जो अचार बनाया था मैंने वो हरी मिर्च और दही, दही में डाल दिया है काला नमक और वही जीरा, और खा लीजिए सब। देखिए किस किस को पसंद है आलू के पराठे, देखते हैं मुंह में पानी आ गया होगा जिसको पसंद है। तो चलो थाली रेडी हो गई है, खाना खा लेते हैं फिर अपना बाकी का काम करेंगे। और देखिए काम तो कर लिया मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है सेट, और अब चलते हैं ऊपर। और फोन चार्ज नहीं है, इसको लगाऊंगी चार्ज। और ये ले लिया है डुगू डुगू के पापा के टावल, इनको सुखाऊंगी ऊपर धूप में, थोड़ी थोड़ी धूप निकल तो आई है। तो चलो अब चलते हैं ऊपर, और अब ऊपर का काम करूँगी क्योंकि भाई ऊपर ना तो झाड़ू लगाई है, ना पोछा, ना कपड़े धोए हैं। तो अब करूँगी ऊपर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, ना सॉरी कपड़े वगैरह नीचे किया है, बस बर्तन साफ कर दिए हैं, झाड़ू पोछा कर दिया है। और भाई शिल्पा को हो गया बुखार और डुगू गया स्कूल में। तो सर और देखिए चलो अब लग जाते हैं फटाफट से अपना ऊपर का काम करने के लिए। और इधर ये कपड़े मैं मशीन में पहले डाल के गई थी, तो ये तब तक मैंने सोचा भाई अपना एक राउंड पूरा कर लेंगे और फिर दूसरा राउंड भी करवा दिया था मैंने। तो देखो ये कपड़े साथ साथ धोऊंगी और डाल दूंगी, और साथ साथ में कमरे में भी झाड़ू पोछा वगैरह करूंगी, बेड शीट भी ठीक करनी है, तो ऐसे करती रहूंगी। साथ साथ मशीन भी लगा ली भाई, वो कपड़ों का काम भी हो जाएगा और कमरे का भी। तो देखिए इधर आ गई थी मैं फिर बेड को सेट करने, तो मैंने सोचा चलो चादर को धो ही दूंगी, तो चादर हटा लिया मैंने और ये गर्म चादर ला के रखी हुई है मैंने, तो इसको ही बिछा लेती हूँ मैं। तो इधर ही वगैरह डाल के रखी थी, इनको भी हटा दिया है मैंने, तकिए निकाल लिए हैं, और इधर ही धोऊंगी नहीं इनको, बस वैसे ही धूप लगा दूंगी क्योंकि गंदी तो होती नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी धो, तो महीना 20 दिन में धो देती हूँ और बाकी दिन इनको धूप लगा देती हूँ मैं। जब चादर धोती हूँ ना तो इनको भी बाहर धूप में डाल देती हूँ, तो तकिए वगैरह भी ले लिए और चादर भी। तो बस फटाफट से वैसे ये तो करती है मैंने झाड़ा पूछी और बेड वगैरह पर सब पे कपड़ा लगा दिया है, और अब पोछा भी लगा दूंगी। देखिए तो हो जाएगा ना ऐसे फटाफट से काम, अंदर का काम भी हो जाएगा और कपड़ों का भी। तो देखो ऐसे कर रही हूँ मैं, साथ साथ कपड़े मशीन में भी डाल दिए, सूखते गए निचोड़ते गई, और झाड़ू पोछा भी हो गया। बस अब बचेगा मेरा नहाना, तो मैं अब जाऊँगी नहाने, और पानी भी लगा दिया था मैंने गर्म करने के लिए। तो ये देखिए चादर भी धो दी है, सब कपड़े सुखा दिए हैं, और धूप थोड़ी सी अच्छी निकली थी तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे। तो देखिए फिर हो गया ये दोपहर का टाइम, नहाने धोने के बाद मैं कर रही हूँ इधर अपना भाई सूट कटिंग, तो ऊपर ही लेके आ गई थी धूप में, तो मैं सोच चलो यही काट लेती हूँ। और आज का वीडियो बस यहीं एंड करूँगी, और आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि रोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।